24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का आना, हम उसको वेलकम करते हैं, हमारी पाकिस्तान की पूरी कौम उनको वेलकम करती है, हमारी बोर्ड उनको वेलकम करती है। उसका सबसे अहम रोल एक ये भी है कि हमारे प्लेयरों को आपस में उनसे बात होती रहती है। अगर आप बात की जाए, जैसे उस्मान ख्वाजा PSL में खेलता है, हमारे अभी प्लेयर गए हुए हैं, बिग बैश खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक अगर आपको मेथी हेडन की मोहब्बत नजर आए कि पाकिस्तान की उनकी दिल में कितनी मोहब्बत है, मैं जैसे मैं जाते जाते जब वर्ल्ड कप से जाता हूँ, जस्टिन लैंगर के दिल में मोहब्बत देखी थी हमने पाकिस्तान के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी इंशाल्लाह इन चीज़ों से हमें लग रहा है, उनसे जो हमारी आपस में बात होती है, जैसे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ पर मौजूद है, जब उनसे बात हुई थी वो कह रहे हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह कि ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है उनके कमेंटेटर की तरफ से, उनके आवाम की तरफ से, उनके एक्स प्लेयरों की तरफ से, कि ज़रूर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। और इंशाल्लाह जिस तरह उन लोगों ने विलनेस शो किया हुआ है उनके प्लेयरों से, उनके बोर्ड से, हमारी जो तो हमारी पाकिस्तान की बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड आपस में मिल रहे हैं और जिस तरह बात चल रही है, तो हम पूरी इसके लिए पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आएगी। देखिए जिस टाइम जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही है तो वो अपनी टॉप की क्रिकेट खेल रही है, तो ऑब्वियसली उनके साथ खेलना एक गुड सीरीज़ है। और ऑब्वियसली वो उनकी टीम टेस्ट क्रिकेट में बहुत रैंकिंग में ऊपर है, मगर अगर हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, लास्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ लेवल किया, बांग्लादेश में सीरीज़ जीती अल्हम्दुलिल्लाह, साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ जीती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी इस टाइम जो है ना पूरी जेल है और परफॉर्मेंस बहुत आला है। एक उम्मीद है इंशाल्लाह कि ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो सीरीज़ होगा ये बहुत खूबसूरत सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली हमारी फैंस तो हमारी जान है, और क्योंकि जब फैंस जितने भी क्राउड होते हैं ग्राउंड में मौजूद होते हैं, तो हमें एक जज्बा मिलता है, एक जोश मिलता है। और इतनी बड़ी टीम जो पाकिस्तान 24 साल बाद आ रही है और रैंकिंग में टॉप की टीम है और उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने, तो अगर हमारी फैंस हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस जज्बे से खेलेंगे जिस जज्बे की हमारी कौम हमारी उनसे डिमांड है। और जहाँ पर पर्सनल गोल्स की बात है, तो हर इंसान की एक गोल यही होता है कि जो लास्ट अचीव किया होता है तो उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो यही इंशाल्लाह गोल है कि अल्लाह से मांगेंगे कि जिस लास्ट सीरीज जो गोल्स थे मेरे, जितने सीरीज़ों में हुए थे, उसको इंशाल्लाह क्रॉस करूंगा अल्लाह के हुक्म से।